सो हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग? बड़े एकदम झकास हो गए। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली, अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है, पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो हाय कैसे हो सब लोग, स्माइल कर रहे हो, हैं बड़ी बड़ी स्माइल आ गई, ठीक है बढ़िया। ओके, तो अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट देखिए। उसमें मैंने इकोनॉमी को डिफाइन किया है, इकोनॉमी क्या होती है ना। तो अब इकोनॉमी मतलब बेसिकली हमारा सेंस था कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी मतलब कि वहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब CIPS है ना, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन और सेविंग्स, CIPS है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू लोग अपनी जो है गुजर बसर कर रहे हैं, अपनी जीविका जी रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, एक इकोनॉमी है। तो आप पहला पार्ट देख लेना, दो चार मिनट का, जल्दी समझ में आ जाएगा। अब हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, तो अब हमें आज समझना है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या समझना है आज, टाइप्स ऑफ इकॉनमी। पहले इसको समझते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है हमें, टाइप्स ऑफ इकॉनमी इकॉनमीज है ना। तो मान लो जैसे कोई देश है, तो देश के अंदर क्या हो रहा है, कोई कंट्री, उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब CIPS कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन सेविंग, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये सब हो रही हैं है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उनको, अब किसी भी देश के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है बेसिकली उनको कौन कंट्रोल कर रहा होगा, कौन कंट्रोल, क्या लगता है आपको कि कौन कंट्रोल कर रहा होगा हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को? तो बेसिकली गवर्नमेंट कर रही होगी, लेकिन गवर्नमेंट के मतलब कितना हद तक उसे कंट्रोल कर रही है, किस लेवल तक है ना, किस लेवल तक उसे कंट्रोल कर रही है। अगर गवर्नमेंट पूरा 100% तरीके से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है कि भाई तुम्हें क्या खाओगे, क्या बनाओगे, कितना सेविंग कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो उस हिसाब से मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, उनको जो कंट्रोल कर रहा है तो गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन गवर्नमेंट कितने हद तक कंट्रोल कर रही है उस हिसाब से हमने इकोनॉमीज़ के टाइप बना दिए। कितने टाइप बना दिए जी, तीन टाइप बना दिए। तो हम जल्दी जल्दी समझते हैं, इकोनॉमी के टाइप्स हमने बना दिए, तो तीन टाइप है, एक दो तीन, मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, तीन टाइप है। तो पहला टाइप है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है ना, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। फिर दूसरा बना है फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी या इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोल देते हैं, क्या बोलते थे, मार्केट। और तीसरा मिक्स, जैसा कि इंडिया, इंडिया कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है ना। तो यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर सरकार का कंट्रोल है, बाकी चीज़ें फ्री छोड़ी हुई। जैसे किसी सब्जी वाले को कौन सी सब्जी बेचनी है ये सरकार थोड़ी बताएगी, लेकिन दारू क्या बेचना है, शराब कैसे बेचना है, सिगरेट गुटखा है ना, ये चीज़ों के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। गोला बारूद आपको बनाना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार ने अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं, बाकी चीज़ें फ्री छोड़ दी। फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, ऑलमोस्ट सारी मतलब 90 से 95% मतलब 100% ही मान लो, 100% चीज़ें जो सरकार है फ्री छोड़ देती है। अब सरकार फ्री छोड़ देती है, जैसे यूएसए और यूके मतलब इंग्लैंड कह सकते हो आप, यूएसए और यूके के अंदर ऐसा होता है। और इधर क्या आ गया, चाइना है ना, रशिया है ना, और नॉर्थ कोरिया तो बहुत ही गंदा देश है वैसे तो। तो चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया, ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, मतलब पूरा गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है ना, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कंजम्पशन करना है, वो सारी चीज़ें। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है और कितने लेवल पे कंट्रोल कर रहा है, उसके हिसाब से हमने इकोनॉमिक जो इकोनॉमीज़ हैं उसको तीन भागों में बांट दिया। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, फ्री इकोनॉमी मतलब बाजार अर्थव्यवस्था है ना, या मुक्त अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत डिटेल में समझ में आ गई होगी। पहला पॉइंट क्या है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको किसके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, यहाँ पे किया जा रहा होगा टोटली गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ पे क्या है कि मार्केट फोर्सेस यानी गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल नहीं कर रही है, जिसकी जितनी डिमांड है, सप्लाई है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से चीज़ें अपने आप, जिस जो बंदा मतलब वही बनाएगा, इंसान जो बनाने वाला है वो वही बनाएगा जिसकी डिमांड है, और जो खरीदने वाला वही खरीदेगा जिस जो उसको पसंद है। लेकिन इधर ऐसा नहीं हो सकता है ना, इधर गवर्नमेंट बताएगी क्या बेचना है और क्या खाना है ये सब कुछ, लेकिन इधर फ्री हो रहा है। इन जैसी कंट्रीज़ में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, पाबंदियाँ ज़्यादा है आप ये कह सकते हो है ना, इधर ऐसा नहीं है। इधर मार्केट फोर्सेज यानी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा, और इधर बोथ है, दोनों हैं। दोनों कैसे कि मतलब कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर सरकार का कंट्रोल है, बाकी चीज़ें मार्केट में फ्री छोड़ दी जाएंगी। ओके जी, दूसरा पॉइंट इकोनॉमिक डिसीजन, ये आप नोट करते रहना। इकोनॉमिक डिसीजन यानी कि जो भी हमें डिसीजन लेने हैं, जो भी हमें फैसले लेने हैं ना, वो किसको ध्यान में रख के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक डिसीजंस है वो उसका मकसद क्या होगा, उसका मकसद होगा सोशल वेलफेयर। क्या होगा जी, सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण। यानी अगर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है तो वो डिसीजन कैसे लेगी, सोशल वेलफेयर यानी समाज को ध्यान में रख के डिसीजन लेगी कि सबका भला हो, इस तरीके से फायदा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे तो सरकार जो है, ध्यान दे रहे हो आप, सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है, सरकार चीज़ों को कंट्रोल ही नहीं कर रही है। तो जो भी लोग हैं वो अपने प्रॉफिट को मैक्स करने के लिए, मतलब वो इंसान वही बना के बेचेगा जिसमें उसे फ़ायदा हो रहा है, उसको सारे गरीब लोगों की नहीं पड़ी है कि नहीं। तो यानी लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, तो लोग प्रॉफिट को ध्यान में रख के काम करेंगे, किधर किधर किधर, फ्री इकोनॉमी में या मार्केट इकोनॉमी में।
लेकिन 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 समाज को ध्यान में रख के काम किधर किया जाएगा, इधर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, तो यानी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या तीसरे इधर बोथ है, तो बोथ का मतलब क्या है जी, तो यानी कि जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं वो तो अपना क्या करेंगे, वो तो प्रॉफिट को ध्यान रखेंगे, और जो सरकार है वो समाज का भला चाहेगी, सोशल वेलफेयर को लेके काम किया जाएगा, है कि नहीं। तो दो पॉइंट हो गए, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जल्दी समझते हैं तीसरा पॉइंट। ओके, तीसरे पॉइंट में आ गया जी, है ना। अब तीसरा पॉइंट हमारा जो है बेसिकली, ऐसा लाइन खींच लेते हैं हम, तीसरा पॉइंट जो है बेसिकली किसके लिए है, तीसरा पॉइंट है कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, उपभोक्ता कंज्यूमर को इधर एक वर्ड यूज़ किया गया है कि सॉवरन, ये आप लिख लेना, इसको स्पेलिंग याद कर लेना। सॉवरन मतलब प्रभुत्व, प्रभुत्व है, यानी कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता है, उसको सॉवरन नहीं दिया जाएगा। कंज्यूमर इज़ नॉट सॉवरन, मतलब प्रभुत्व नहीं दिया जाएगा, मतलब इंपॉर्टेंस, यानी कि कुछ भी बोल सकता है, इंपॉर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस नहीं दिया जाएगा, या महत्व नहीं दिया जाएगा, सबसे आसान भाषा में महत्व नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। महत्व मतलब उसे, कंज्यूमर को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, क्योंकि भाई सरकार इधर, तो सरकार सब कुछ डिसीजन ले रही है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से, तो गवर्नमेंट सबका फायदा सोचेगी ना। लेकिन इधर वाली में क्या थी, फ्री इकॉनमी में क्या होगा, फ्री इकॉनमी में ये होगा कि जो भी प्रोड्यूसर है, जो बनाने वाले हैं ना, वो क्या करेगा, वो कंज्यूमर को भगवान समझेगा। प्रभुत्व मतलब प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, भगवान। तो कंज्यूमर को भगवान समझा जाएगा फ्री इकोनॉमी के अंदर। तो आज पूरी दुनिया में देखो, धीरे धीरे यही हो रहा है ना, जैसे यूएसए और जो कंट्रीज हैं, यूएसए, यूके, और धीरे धीरे हमारे देश में भी यही कल्चर आ रहा है कि जो कंज्यूमर को भगवान समझा जाता है, मतलब कंज्यूमर के हिसाब से जो प्राइवेट कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सब कुछ कंज्यूमर के हिसाब से ही बना रही हैं और सेल कर रही हैं। तीसरा वाला इधर कौन सा हमारा है ना, मेरे को बता देना, मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ कि स्लो बोल रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या किया जाएगा, कंज्यूमर को सॉवरन नहीं समझा जाएगा, यहाँ पे समझा जाएगा और यहाँ पे भी नहीं समझा जाएगा। चौथा पॉइंट ले लेते हैं आगे, चौथा पॉइंट ये कि जो रिसोर्सेज हैं देश के अंदर जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, है ना, ये तो जो रिसोर्सेज हैं, बड़े बड़े ज़मीन हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, तो जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है उसमें क्या होगा कि जो भी रिसोर्सेज है कंट्री के अंदर, वो ज़्यादा किसके पास होंगे, ऑब्वियस गवर्नमेंट के पास होंगे, गवर्नमेंट के खास सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होगा, है ना, ओके नहीं। तो ज़्यादा ज़्यादा रिसोर्सेज किसके पास होंगे, गवर्नमेंट के पास। लेकिन इधर जैसे फ्री इकोनॉमी में क्या होगा कि मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल, किसके पास होंगे जी, ये लोगों के पास सारे रिसोर्सेज होंगे। जैसे हमारे इंडिया में भी देख सकते हो बेसिकली, जैसे मुकेश अंबानी और ये बड़े बड़े अमीर अमीर लोग हैं, तो इनके पास सारे ज़मीन है, पैसा है, बिल्डिंग्स हैं, बिजनेस है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं ना। और वही अगर चाहें तो जो मार्केट में जो प्राइस है उनके घटा बढ़ा सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं बेसिकली। इधर तीसरे वाला क्या है, तीसरे वाले में बेसिकली रिसोर्सेज किसके पास है, रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, इधर दो तो दोनों के पास होगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी हैं सर, जैसे हमारे देश के अंदर की बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो सरकारी हैं, जैसे रेल सरकारी है और ना, तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत प्राइवेट भी होगी वैसे तो धीरे धीरे मतलब जो बहुत सारी चीज़ें सरकार के कंट्रोल में होंगी और बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में होंगी, है कि नहीं। ओके, लास्ट पाँचवा पॉइंट आप इसे नोट कर लेना, समझ लेना, लास्ट हम पॉइंट पे आ गए हैं, ठीक है कि नहीं। तो इधर सेक्टर, अब बात की जाएगी सेक्टर की, पांचों पॉइंट कि कौन सा सेक्टर। जैसे सेक्टर दो ही तरीके के हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, तो गवर्नमेंट को हम बोल देते हैं पब्लिक सेक्टर, है ना, और प्राइवेट सेक्टर, दो सेक्टर हो गए, पब्लिक और प्राइवेट। इधर प्राइवेट लोग होते हैं और सरकार। तो इधर अगर हमारी जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी तो गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रही है, सरकार, तो उधर कौन सा सेक्टर ग्रो करना चाहिए, ऑब्वियस पब्लिक सेक्टर। इधर कौन सा सेक्टर ग्रो होगा जी, पब्लिक सेक्टर ग्रो होगा, है ना, पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, आप ऐसे बोल सकते हो। इधर प्राइवेट सेक्टर ग्रो होएगा, प्राइवेट सेक्टर ग्रो होएगा तेज़ी से, और वो कंट्रोल करेगा किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, और इधर दोनों होएगा, क्योंकि ये तो मिक्स है ही, है कि नहीं। आई होप आपको मैंने समझा दिया पूरा, आप इसको बार बार रिवाइज करके देख लेना। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए, और प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए। टाटा, टेक केयर, गुड बाय, बाद में मिलेंगे।